कैसे हो ब्रो? अगर आपका बजट 15,000 रुपये तक का है तो इस फोन को ले सकते हो। ये फोन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसका कैमरा क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगा, तो इसी फोन को आज टेस्ट करने वाले हैं। और इस फोन को लॉन्च हुए कुछ महीने हो गए और ये फोन मेरे पास लेट से आया क्योंकि मेरे चैनल पर उतने सारे सब्सक्राइबर नहीं है कि कंपनी मेरे को फोन भेजे ताकि मैं रिव्यू कर सकूं। तो इस चैनल पर आपको पेड रिव्यू नहीं मिलेगा, जो भी बात होगा जेन्युइन बात होगा। तो चलो इसे आज टेस्ट करते हैं। Realme 9 5G के अंदर MediaTek का Dimensity 810 5G वाला प्रोसेसर आ जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 5000mAh का बैटरी। और भाई जो मेरे पास फोन है 464 वाला वेरिएंट है और फोन का कलर कुछ इस तरह का है। इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा और ये वाला जो कैमरा देख रहे हो ये बस डिजाइन है। इस फोन के साथ एक चीज निगेटिव मेरे को लगा भाई, 15,000 का फोन और इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है, अल्ट्रा वाइड जो लेंस होता है वो नहीं मिल रहा है इसमें। ट्रिपल कैमरा इस फोन के साथ है लेकिन एक ही कैमरा आपको काम में आने वाला है 48 मेगापिक्सल का, और जो 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और माइक्रो लेंस कैमरा कोई काम का नहीं है भाई। अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है इस फोन के लिए। फोन का जो थिकनेस है 8.5mm का है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, इधर के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। और आपको 3.5mm का हेडफोन जैक और माइक और यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पिन और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ऊपर के साथ कुछ भी नहीं है। मैं सोचा था कि इस फोन में सेकेंडरी माइक दिया होगा। भाई फोन का कैमरा बम चेक करना हो तो 10 का सिक्का लो और यहाँ पे इस तरह से पास लाकर देख लो, कैमरा बम कुछ इतना है इस फोन का। इस फोन में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। अब भाई टाइम आ गया है इस फोन का कैमरा क्वालिटी टेस्ट करने का। भाई मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा जो आवाज सुन रहे हो इसी फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियो क्वालिटी किस तरह से रिकॉर्ड करता है ये फोन। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है बैक कैमरे से जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा मेरे को थोड़ा सा स्लो लग रहा है यार। मैं ज़्यादातर देखता हूँ बजट फोन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जब मूव करोगे तो थोड़ा सा स्लोनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई ये चीज़ देख लेना आप अगर इस फोन को लेना चाहते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिला, थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे मेरे को स्लो लगा। 5000mAh की बैटरी है तो आपका फोन दिन भर चल जाएगा सिंगल चार्ज में। अगर फोन की मजबूती टेस्ट करना हो तो आप इस फोन को फेंक के टेस्ट कर सकते हो। भाई मेरा फोटो चेक करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं पूरा जूम करके चेक करता हूँ, अगर फोटो फटता नहीं है तो मेरे को सही लगता है फोटो, और यहाँ पे फोटो नहीं फट रहा है। बाकी कलर में थोड़ा दिक्कत है, आप कलर ग्रेडिंग करके फोटो को सही कर सकते हो। फोन का कवर देखो कलर चेंज हो गया है, फोन काफी दिन से यूज हो रहा है, सोचा मैंने इस फोन के बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को, अगर जिनको लेना है तो इस फोन को ले सकते हो। वीडियो में आपको फोन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फोन आपको चाहिए कि नहीं, और भी ऑप्शन है आपके पास, रिसर्च करके ले सकते हो। लेकिन इस चीज से कैसे छुटकारा मिले यार, ये पीलापन कैसे जाएगा, हर कवर के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। YouTube पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा कवर का पीलापन कैसे गायब करें, लेकिन वो सारे फेक वीडियो है, आप कुछ भी कर लो कवर का पीलापन जाएगा ही नहीं। बाकी आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में नीचे कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।